दोस्तों, क्या आपको पता है हमारी अर्थ पर पाए जाने वाली सबसे एक्सपेंसिव मेटल कौन सी है? ये मेटल इतना एक्सपेंसिव है कि उसकी सिर्फ 1 ग्राम से 1200 रोल्स रॉयस कार्स खरीदी जा सकती हैं। बने रहें इस वीडियो में, क्योंकि हम अर्थ पर पाए जाने वाले कुछ एक्सपेंसिव एलिमेंट्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। स्वागत है दोस्तों आप सभी का इन्फोसिस चैनल में। अगर कोई एलिमेंट रेयर है तो उसे कीमती माना जाता है। प्रेशियस एलिमेंट की स्टेटस हाई डिमांड या मार्केट वैल्यू से भी डिसाइड की जा सकती है। ओर या रॉ मटेरियल के नए सोर्सेज की डिस्कवरी से या माइनिंग या रिफाइनिंग प्रोसेस में इंप्रूवमेंट से प्रेशियस एलिमेंट्स की वैल्यू कम हो सकता है। तो क्या आपको पता है हमारी अर्थ पर पाए जाने वाले सबसे एक्सपेंसिव मेटल कौन सी है? वो है फ्रांसियम। ये मेटल इतना एक्सपेंसिव है कि उसकी सिर्फ 1 ग्राम से 1200 रोल्स रॉयस कार्स खरीदी जा सकती है। और मैं आपको बता दूं, रोल्स रॉयस कलिनन की एक शोरूम प्राइस इंडिया में 6,95,00,000 से स्टार्ट होती है। इसकी 1 ग्राम की कीमत तकरीबन $1 बिलियन है, यानी कि 1 ग्राम की कीमत 8,335 करोड़ रुपए है। हालांकि अगर आपके पास इतना पैसा भी हो तो भी शायद इस एलिमेंट को आप नहीं पा सकेंगे। इनफैक्ट 1 ग्राम फ्रांसियम को कभी नहीं देखा गया है। ऐसा इसलिए है क्योंकि इस एलिमेंट का हाफ लाइफ लगभग 22 मिनट है, यानी कि जब इसे लैब में तैयार किया जाता है तो ये 22 मिनट में आधा खत्म हो जाता है और एलिमेंट की कोई भी व्यूएबल क्वांटिटी तुरंत वेपोराइज हो जाती है, इसलिए इसे कलेक्ट करना बहुत मुश्किल है। इसकी हाफ लाइफ के कारण इसे कभी ट्रेड किया ही नहीं जा सकता। इसकी इंस्टेबिलिटी और रेयरिटी के कारण फ्रांसियम के कोई कमर्शियल एप्लीकेशंस नहीं हैं। लेकिन इसका यूज एटॉमिक स्ट्रक्चर और केमिस्ट्री के फील्ड में रिसर्च पर्पसेस के लिए किया गया है। फ्रांसियम का एटॉमिक नंबर 87 है और ये माना जाता है कि फ्रांसियम एक हाईली रिएक्टिव मेटल की तरह होगा। फ्रांसियम की खोज मार्गरेट पेरी ने फ्रांस में 7 जनवरी 1939 को की थी, जिससे इस एलिमेंट का नाम पड़ा। ये सिंथेसिस के बजाय प्रकृति में खोजा गया लास्ट एलिमेंट था। लैब के बाहर फ्रांसियम एक्सट्रीमली रेयर है। नेचुरली कहे तो पूरे अर्थ के क्रस्ट में सिर्फ 24.5 ग्राम फ्रांसियम अवेलेबल है, इसलिए इसे लैब में बनाया जाता है। और अब तक लैब में प्रोड्यूस्ड फ्रांसियम की सबसे बड़ी मात्रा 3 लाख से ज्यादा एटम्स की एक क्लस्टर था। रियलिस्टिकली कोई भी ऐसी चीज के लिए अरबों डॉलर खर्च करने के लिए तैयार नहीं होगा जो मिनटों में गायब हो जाए। लेकिन एक और मेटल है जो काफी रेयर और एक्सपेंसिव है और उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन भी है। वो मेटल है कैलिफोर्नियम। कैलिफोर्नियम का एटॉमिक नंबर 98 है। ये एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है जो धरती पर नेचुरली नहीं पाया जाता है। इसे पहली बार 1950 में यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया की एक लैब में सिंथेसाइज किया गया था। 1 ग्राम कैलिफोर्नियम की कीमत लगभग $27 मिलियन है। ऐसा इसलिए है क्योंकि इसका ग्लोबल प्रोडक्शन पूरे साल में सिर्फ 0.5 ग्राम है। इसे बनाने के लिए आपको या तो पार्टिकल एक्सेलरेटर या न्यूक्लियर रिएक्टर की जरूरत होगी। कैलिफोर्नियम को एक स्ट्रॉन्ग न्यूट्रॉन एमिटर की वजह से कई जगह इस्तेमाल किया जाता है। कैलिफोर्नियम का सिर्फ 1 माइक्रोग्राम हर मिनट 139 मिलियन न्यूट्रॉन पार्टिकल्स को रिलीज करते हैं, इसलिए ये न्यूट्रॉन सोर्स के रूप में भी काम करता है, जिससे सिल्वर और गोल्ड के ओर्स या डिपॉजिट्स की पहचान करने में मदद मिलती है। इसका यूज न्यूट्रॉन मॉइस्चर गेजेस में भी किया जाता है, जो तेल के कुओं में पानी और पेट्रोलियम लेयर्स को खोजने में मदद करता है। और इसका यूज ग्राउंड वाटर मूवमेंट को डिटेक्ट करने के लिए भी किया जाता है। इसे न्यूक्लियर रिएक्टर स्टार्टअप के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है, जो न्यूक्लियर रिएक्टर्स में न्यूक्लियर चेन रिएक्शन को इनिशिएट करता है। तो दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।